तो गाइस फाइनली iOS 17 का जो बीटा वर्जन है यानी कि फर्स्ट डेवलपर बीटा वर्जन वो आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस कंपैटिबल हैं iOS 17 के साथ और अगर आपके पास एक डेवलपर अकाउंट है तो आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेवलपर बीटा को अपने आईफोन पे। तो आपको क्या करना है, वीडियो आपको देखना है एंड तक। इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना है और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो इस बीटा वर्जन को इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान आपको यहां पे रखना है। आपको सबसे पहले ये इंश्योर करके रखना है कि आपका आईफोन जो है वो कम से कम iOS 16.5 पे अपडेटेड है। अगर वो नहीं है तो आप iOS 17 का बीटा वर्जन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि आपके आईफोन की बैटरी कम से कम 50% है। अगर 50% से कम है तो अपने आईफोन को चार्ज कर लेना और उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं iOS 17 के बीटा वर्जन पे। और तीसरी चीज जिसका ध्यान आपको रखना है वो ये है कि कम से कम आपके आईफोन में 7 to 8 GB जो है वो फ्री होना चाहिए। अगर ये फ्री नहीं है तो आप अपडेट नहीं कर पाएंगे iOS 17 के फर्स्ट बीटा वर्जन पे। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस जो हैं वो कंपैटिबल होने वाले हैं iOS 17 के साथ। तो यहाँ पे मैं एप्पल के वेबसाइट पे हूँ और यहाँ पे मेंशन्ड है वो सारे डिवाइसेस जिन पे आप iOS 17 को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ये डिवाइसेस कंपैटिबल होने वाले हैं iOS 17 के साथ। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास एक iPhone 8 है या 8 Plus है या iPhone 10 है तब आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं iOS 17 को इन डिवाइसेस पे। तो अब देखते हैं कि आप कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं iOS 17 के सबसे पहले बीटा वर्जन को अपने आईफोन पे। आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये डेवलपर बीटा है तो आपका जो एप्पल आईडी है वो एक डेवलपर अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं iOS 17 के डेवलपर बीटा को अपने आईफोन पे। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है जनरल वाले ऑप्शन में और उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो आईफोन है वो 16.5 पे अपडेटेड है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिससे आप iOS 17 के बीटा वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है जिसका नाम है बीटा अपडेट्स, जो कि फिलहाल ऑफ पे है। आपको उस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ऑफ का, जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि iOS 17 डेवलपर बीटा, iOS 16 पब्लिक बीटा या iOS 16 डेवलपर बीटा। तो यहाँ पे आपको चूज करना है ऑप्शन iOS 17 डेवलपर बीटा पे और उसके बाद आपको प्रेस कर देना है बैक बटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास iOS 17 का डेवलपर बीटा वर्जन आ गया है और इसका जो साइज है वो है 6.34 GB। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे iPhone 14 Pro, तो जो डेवलपर बीटा का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इंश्योर करके रखिए कि आपके आईफोन में सफिशिएंट जगह है जब आप इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको प्रेस करना है डाउनलोड और इंस्टॉल पे, उसके बाद एंटर करना है अपना पासकोड और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेवलपर बीटा है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम डेवलपर बीटा या पब्लिक बीटा को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन पे। तो मेरा आंसर यही रहता है कि अगर आपके पास एक सिंगल डिवाइस है जो कि आपका प्राइमरी डिवाइस है उस पे आप कभी भी बीटा वर्जन्स को इंस्टॉल ना करें, क्योंकि बीटा वर्जन्स बहुत ही अनस्टेबल होते हैं और इससे आपको परफॉर्मेंस इशू और बैटरी इशूज भी फेस हो सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।